कि पहले के जमाने में क्या होता था, सामान लिया तो सामान के बदले में सामान दिया जाता था, मतलब किसी ने चावल लिया तो कोई गेहूं दे देता था, इस टाइप से काम चलता था। फिर सिक्के आए, फिर कागज के नोट छपने लगे, फिर डेबिट कार्ड आ गया, कार्ड निकाला पेमेंट हो गया कि अकाउंट में पैसा है, ये लो डेबिट कार्ड इससे पैसा ले लो, या फिर डेबिट कार्ड से कैश निकाल लेते थे लोग। फिर आया क्रेडिट कार्ड कि आज पेमेंट कर दिया एक महीने बाद चुका रहे हैं। फिर आया ऑनलाइन पेमेंट का जमाना कि भाई ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। लेकिन अब रुपए का नया रूप आ गया है और इसका नाम है डिजिटल रुपया। आपको सुनकर हैरानी होगी लेकिन आज जो चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें मैं कह रहा हूं कि नोट रखना बंद हो जाएगा और इसका बड़ा देश में इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये है डिजिटल रुपया। और ये डिजिटल रुपया जो है वो कैसे देश को बदलेगा या देश को बदल सकता है, आज इसका चैप्टर आपको बताऊंगा। 1 दिसंबर से ये डिजिटल रुपया आ रहा है। क्या आने वाले वक्त में आप नोट भूल जाएंगे, नोट रखना बंद हो जाएगा? डिजिटल रुपया क्या हवा में उड़ने वाली चिड़िया है भाई, इसके बारे में तो पता होना चाहिए। क्या डिजिटल रुपया आपको जल्द मिलने वाला है, डिटेल बताऊंगा लेकिन पहले शुरू से शुरू कर रहा हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और इसका एक चरण पहले से ही चल रहा था, कल इसका सेकेंड फेज शुरू होगा। अब आप कहेंगे ये डिजिटल रुपया चल रहा है हमको पता ही नहीं है, अभी बताता हूं। और कहा यह जा रहा है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो डिजिटल रुपया ही लेन देन का भविष्य होगा। डिजिटल रुपया, आपके जेब में जो नोट है वो धीरे 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 दुनिया छोड़ देंगे, आप जेब में नोट रखना छोड़ देंगे, डिजिटल रुपया चलेगा। अब क्या है भाई डिजिटल रुपया, क्या है ये, क्या बला है ये, थोड़ा सब्र कीजिए, बताता हूं। क्या जब भी पैसों की बात आती है तो लोगों के मन में कई सवाल आते हैं, डिजिटल करेंसी को लेकर भी यही सवाल लोगों के मन में रहते हैं कि डिजिटल करेंसी है क्या, ये क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है, अभी जो यूपीआई पेमेंट करते हैं वो भी तो डिजिटल ही करते हैं, तो फिर डिजिटल करेंसी इससे अलग कैसे है, डिजिटल करेंसी से पेमेंट कैसे होगा, डिजिटल करेंसी से फायदा क्या होगा, आपके पास डिजिटल करेंसी कैसे आएगी, क्या सरकार सिर्फ डिजिटल करेंसी रखेगी, नोट बंद हो जाएंगे, सारे नोट बंद हो जाएंगे क्या, बहुत बड़ा वाला नोटबंदी होगा क्या, इन सब सवालों के जवाब आज आपको पाठशाला में बताऊंगा। सबसे पहले आरबीआई जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी या कहें कि डिजिटल रूपी को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक है रिटेल दूसरा है होलसेल। रिटेल का इस्तेमाल रोजाना के लेन देन के लिए है और होलसेल का इस्तेमाल बड़ी वित्तीय संस्थाएं करें, तो रिटेल वाला आपके हमारे काम में आएगा क्योंकि हम ही लोग ना डेली इस्तेमाल करेंगे, बड़ी वित्तीय संस्थाओं के लिए होलसेल सेगमेंट होगा। डिजिटल रूपी के होलसेल सेगमेंट की शुरुआत पिछले महीने 1 नवंबर को हो चुकी है, बड़ी संस्थाएं जो है वो इसका इस्तेमाल कर रही हैं। कल यानी 1 दिसंबर को रिटेल सेगमेंट की शुरुआत होगी जिसमें आम लोग हमारे आपके जैसे डिजिटल रूपी का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो कल डिजिटल रूपी का पहला चरण लागू होगा जिसमें कुछ शहर और बैंक्स के साथ डिजिटल रूपी में ट्रांजैक्शन हो सकेगा। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब इसको टेस्ट कर रहे हैं कि ये कैसा चलेगा, लोगों को क्या दिक्कत आएगी नहीं आएगी, फुल फ्लेज्ड पूरे देश में नहीं लागू कर दिया, पायलट प्रोजेक्ट। तो इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल रूपी का इस्तेमाल कुछ सीमित लोगों के बीच होगा जिन्हें इसकी इजाजत होगी कि आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इससे पता चलेगा कि देश डिजिटल रूपी की दिशा में कैसे बढ़ेगा और कैसे देश में ये पूरी तरह से लागू हो जाए। डिजिटल रूपी से जुड़ा पायलट प्रोजेक्ट अभी देश के 4 शहरों में शुरू होगा। दिल्ली में शुरू हो रहा है, मुंबई में शुरू हो रहा है, बेंगलुरु में शुरू हो रहा है और भुवनेश्वर में शुरू हो रहा है। तो जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लोग रहते हैं उनमें कुछ लोग जो है वो डिजिटल रूपी का इस्तेमाल कर पाए। और इसके लिए 8 बैंक्स चुने गए हैं जिनमें फर्स्ट फेज में 4 बैंक होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, ICICI बैंक होगा, यस बैंक होगा और IDFC फर्स्ट बैंक होगा। इस 4 बैंक में जिनके अकाउंट हैं उनके लिए डिजिटल रूपी का ऑप्शन होगा। इन 4 शहरों में रहने वाले कंज्यूमर और व्यापारी जिनका अकाउंट इन बैंक्स में है वो डिजिटल रूपी का इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर पायलट प्रोजेक्ट में सब कुछ सही रहा
तो फिर डिजिटल रुपी का दायरा बढ़ा दिया जाएगा, सब शहर में होगा, सब बैंक में होगा, और फिर नोट जो हैं धीरे धीरे टाटा बाय बाय हो सकते हैं। अब समझिए कि डिजिटल करेंसी क्या है। इतना डिजिटल करेंसी सुन रहे हैं, अगली नोटबंदी तो नहीं है, नोट चला जाएगा, मेरा क्या होगा, वो कपड़े के नीचे जो नोट छुपाए थे वो कहां जाएंगे, ये सब बहुत टेंशन है भाई। डिजिटल करेंसी या इलेक्ट्रॉनिक रूपी आपके कैश का डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, मतलब जो नोट आप रखते हैं उसका वो डिजिटल वर्जन है। जैसे पहले याद है आपको, आप लोग, हम लोग, सब लोग क्या करते थे, फोटो खींचते थे, फिर रील साफ होने जाती थी, फिर वो छप के आती थी, तो वो फिजिकल वर्जन। आजकल क्या है, डिजिटल फोटो है, आपके मोबाइल में है, लैपटॉप में है, सब जगह है, व्हाट्सएप पे भेज दिया, धक से चला गया। वैसे ही अब नोट छप के आते हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी जो आपका नोट है उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। थोड़ा क्लियरिटी आई। ये एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा। आसान शब्दों में कहूं तो जैसे आरबीआई नोट की छपाई करता है, वैसे ही वो डिजिटल करेंसी भी बनाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में होगी, छू नहीं सकते हैं, मोबाइल में है, अकाउंट में है, उधर है। डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल भी आप लेन देन के लिए कर पाएंगे। डिजिटल करेंसी की वही वैल्यू होगी जो पेपर करेंसी या कॉइन की होती है। मतलब आपके पास अकाउंट में मान लीजिए 1,00,000 रुपया है, तो आप 1,00,000 रुपया निकाल सकते हैं, 1,00,000 का नोट मिल जाएगा आपको। तो जब डिजिटल रुपी होगा तो वो डिजिटल रुपी 1,00,000 रुपया जैसे आपके पास कैश में होता वो वैसे ही हो जाएगा, डिजिटली हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगा। फिर आप वो इलेक्ट्रॉनिकली दीजिएगा, मोबाइल से, दूसरी तरीकों से। डिजिटल रुपी में लेन देन कैसे होगा इसको थोड़ा विस्तार से समझ। आरबीआई के मुताबिक डिजिटल रुपी का डिस्ट्रीब्यूशन बैंक्स के जरिए होगा। जिन बैंक्स को डिजिटल रुपी मिलेगी वो यूजर्स को डिजिटल वॉलेट की सुविधा देगा। वॉलेट मतलब पर्स, बटुआ, जिसमें आप रखते हैं, अभी फिजिकल बटुआ रखते हैं, उसमें डिजिटल बटुआ होगा, अकाउंट आपका एक तरीके से। इसी डिजिटल वॉलेट के जरिए लोग डिजिटल टोकन में पेमेंट करेंगे। डिजिटल वॉलेट के जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पेमेंट कर सकता है, फिर या व्यक्ति मर्चेंट के बीच भी लेन देन हो सकता है। डिजिटल वॉलेट के अलावा QR कोड स्कैन करके भी इससे पेमेंट किया जा सकता है। मतलब आपके पास अपना QR कोड होगा। अभी क्या हुआ, दुकानदार के पास होता है, आप पेमेंट करते हैं, कल को आपको किसी से पेमेंट लेना, आपका अपना QR कोड है, आपको स्कैन करेगा, आपको पेमेंट करेगा, यह भी हिसाब चलेगा। तो जैसे आपकी जेब में पैसे रहते हैं वैसे ही डिजिटल रूपी या ई रूपी आपके मोबाइल वॉलेट में रहा करेगा। अब आपको इतना मोटा मोटा बटुआ लेके चलने की जरूरत नहीं है, मोबाइल हाथ में लिए निकल गए। वो जमाना भी आएगा कि शायद नोट रहे ही ना, अब वो बहुत दूर की बात है, लेकिन उस पर अभी आऊंगा। अब आप ये समझिए कि ये कैश पेमेंट या UPI या ऑनलाइन पेमेंट से अलग कैसे है। आपके मन में भी बेसिक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई मेरे अकाउंट में पैसा है, मैं अभी भी UPI पेमेंट कर देता हूं, तो उससे ये अलग कैसे। इसको आपको उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए आप राशन खरीदने गए, 500 रुपया का बिल बना, तो आप क्या करते हैं, बोलते ये लो 500 का नोट पकड़ो, कैश दे दिया, हो गया खत्म। अब जो दुकानदार और आपके बीच में लेन देन हुआ उसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता कि वो 500 रुपया जो है वो आपने उस दुकानदार को दिया, वो नोट इधर से उधर टहलता रहेगा, फिर किसी दिन बंगाल में किसी मंत्री के यहां इतना इतना गुलाबी नोट निकल आता है, क्योंकि पता नहीं वो नोट कहां से कहां बह रहा है। तो फिजिकल करेंसी का हिसाब रखना मुश्किल है। दूसरा तरीका यह है कि आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसे ऐप के जरिए UPI से या वॉलेट से 500 रुपए का बिल चुका सकते हैं उस राशन को लेने के बाद। ये आप करते होंगे, ए भैया पेमेंट पेटीएम से कर दूं, हां कर दीजिए, फोन पे से कर दूं, हां कर दीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप पेमेंट करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपया डेबिट होता है और दुकानदार के अकाउंट में 500 रुपया जमा हो जाता है। इसमें आपके और दुकानदार के बीच फ्रंट एंड ट्रांजेक्शन कहते हैं इसको, जो तुरंत तो हो जाता है कि मतलब आपने पेमेंट किया, उसको दिखाते ये देखिए हरा टिक, नीला टिक आ गया, जो भी आ गया, वो कहता है अच्छा पेमेंट आ गया, या कई बार वो फोटो भी खींचता है आजकल। लेकिन आपके और दुकानदार के बीच तो सामने सामने ट्रांजेक्शन, दुकानदार और बैंक के बीच बैक एंड ट्रांजेक्शन होता है,
जो तुरंत उसी वक्त पूरा नहीं होता, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को आरबीआई के साथ भी सेटल करना होता है, जो पूरे दिन में एक बार होता है। जब तक सेटलमेंट पूरा नहीं होता तब तक दुकानदार के अकाउंट में पैसे नहीं आते, और जब तक यह ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होती तब तक दुकानदार की सांस अटकी रहती है कि आपने तो कह दिया मैंने पेमेंट कर दिया, उसने सोचा पेमेंट आ गया, लेकिन पेमेंट आया नहीं आया ये उसको तब पता चलता है जब दिन खत्म होता है और सेटलमेंट होता है आरबीआई और बैंक के बीच में। आप में से कई लोगों ने सुना होगा बीच में ये धोखाधड़ी का सिलसिला शुरू हुआ था कि ऐसा कुछ ऐप दिखाते थे, कहते थे लो पेमेंट हो गया, उसमें हरा टिक बन के आता था, लोग सोचते थे पेमेंट हो गया, वो पेमेंट होता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको अपने अकाउंट में तुरंत पैसा दिख ही नहीं रहा है तो बेचारा कैसे चेक करेगा। ये झोल है। आप जब यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं या फोन पे या पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, अब ई रूपी या डिजिटल करेंसी में यह होगा कि आपके बैंक अकाउंट से गए 500 रुपए तुरंत दुकानदार को मिल जाएगा, क्योंकि फ्रंट और बैक एंड ट्रांजैक्शन एक साथ होगा। धोखाधड़ी खत्म, कोई किसी को लटका नहीं सकता, भटका नहीं सकता, अटका नहीं सकता। तुमने 500 रुपया का ई रूपी दिया, उधर ई रूपी उसके अकाउंट में आया, खत्म मामला। हालांकि अगर आप डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करें या गूगल पे या पेटीएम जैसे किसी ऐप का इस्तेमाल करें, आपके लिए पेमेंट का तरीका नहीं बदलेगा, आपके लिए तरीका वही है, लेकिन दुकानदार या जो मर्चेंडाइज रखने वाला है उसके लिए तस्वीर बदल जाएगी। आरबीआई की तरफ से डिजिटल करेंसी को लाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद है क्रिप्टो करेंसी के खतरे से बचना। पहली बार 2009 में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन चर्चा में आई थी, आपको याद हो, तब दुनिया के केंद्रीय बैंक्स को इससे ज्यादा खतरा नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ने लगी यह किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के लिए खतरा बना। अगर किसी देश में क्रिप्टो करेंसी को इजाजत दे दी जाए तो सेंट्रल बैंक करेंसी सप्लाई से नियंत्रण खो देगा। ऐसी भी चिंताएं जताई गई कि क्रिप्टो मौद्रिक नीति को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि तब देश में एक ऐसी करेंसी लीगल हो जाएगी जिसकी वैल्यू स्थिर नहीं है। पता नहीं ना, आज आपके पास जो क्रिप्टो है उसकी वैल्यू कुछ है, दूसरे के पास जो है उसकी कुछ है। ऐसा थोड़ी कि मेरा 100 रुपया का नोट और आपका 100 रुपया का नोट दोनों 100 रुपया ही है, आपकी क्रिप्टो करेंसी अलग उसकी अलग, वो भी मार्केट पे ऊपर नीचे हो रही है। इसके अलावा डिजिटल करेंसी को इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि यह डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट देगा। पहली बार करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम सस्ता और ज्यादा प्रभावी होगा, डिजिटल करेंसी से होने वाली ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सकेगा, यह एक बड़ा हथियार बनेगा। कैश को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, डिजिटल करेंसी आ जाएगी और धीरे धीरे यही प्रचलन में आ गई तो फिर किसका पैसा कहां से कहां जा रहा है एक एक चीज को ट्रैक किया जा सकता है, जिससे फ्रॉड का खतरा भी कम हो जाएगा। डिजिटल करेंसी से आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित रहेगा, डिजिटल करेंसी का चलन बढ़ेगा तो नोट कम छापने होंगे, डिजिटल करेंसी को आप कैश भी करवा सकेंगे, डिजिटल करेंसी से पेमेंट का तरीका ज्यादा सुरक्षित और आसान होगा, डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी का लीगल विकल्प भी बनेगा। जो तकनीक इसमें इस्तेमाल होगी उससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि डिजिटल करेंसी के आने से कैश में लेन देन या यूपीआई जैसी तकनीक खत्म हो रही है, बल्कि डिजिटल करेंसी के रूप में यूजर्स के पास एक और विकल्प अभी बढ़ रहा है। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में भी क्या फर्क है यह भी आपको बता देता हूं। डिजिटल करेंसी पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है, भाई आरबीआई ला रही है ना तो विश्वास कर सकते हैं आप इस पे। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, कहां से आ रही है कौन ला रहा है कुछ पता नहीं। डिजिटल करेंसी लीगल फ्रेमवर्क में आप बोल सकते हैं इसने धोखा किया, ये मेरा पैसा था, ये वो जो भी। क्रिप्टो करेंसी का कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, कोई नियम कायदा कानून नहीं। डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक के जरिए रेगुलेटेड है, क्रिप्टो करेंसी किसी अथॉरिटी से रेगुलेटेड नहीं, कोई माई बाप नहीं है उसका। डिजिटल करेंसी तय और स्थिर वैल्यू की होगी, जबकि क्रिप्टो करेंसी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है उसकी वैल्यू। डिजिटल करेंसी यूजर की पहचान उसमें मौजूद होगी कि कहां से कहां पैसा जा रहा है, किसका पैसा है। क्रिप्टो करेंसी कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन बना रहा है, ये कुछ नहीं पता। अभी आपको बता रहा था ना कल मैं, केम्स में जो सर्वर हैक हुआ उसमें एक कहानी ये भी चल रही है कि 200 करोड़ रुपया क्रिप्टो करेंसी में मांगा गया। दिल्ली पुलिस मना कर रही है लेकिन एक कहानी ये चल रही है। या कई जगहों पर आजकल क्रिप्टो करेंसी में फिरौती मांगते हैं, क्यों? क्योंकि पकड़ में ही नहीं आएगा कहां गया पैसा। डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है।
क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन जो है उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो ये दोनों में मेजर फर्क है। अच्छा, डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने से सरकार का पैसा भी बचेगा, डिजिटल करेंसी का चलन बढ़ेगा तो नोट कम छापने पड़ेंगे और नोट छापने से होने वाला खर्च भी कम होगा। आप में से बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जैसे अगर एक 100 रुपया का जो नोट है इसको जो आप छापते हैं, इसको छापने में 15 से 17 रुपया का खर्च आता है, 15 से 17 रुपया का खर्च 100 रुपया का नोट छापने में, यानी 17% का खर्च है नोट की छपाई में। और उनमें से एक नोट की लाइफ साइकिल कितनी होती है, 4 साल रहती है मानते हैं। तो 17 रुपया जो खर्च है वो ऑपरेशन कॉस्ट है, जिसमें प्रिंटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है और स्टोरिंग है, ये तीनों मिलाकर 15 से 17 रुपया एक नोट छापने में जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो कैश सर्कुलेशन है, 2022-23 इसमें जो कैश सर्कुलेशन में है, जो नोट घूम रहे हैं मार्केट में, सर्कुलेशन ये कितना है आपको पता है? ये है 31,05,721 करोड़ रुपए के नोट इस वक्त मार्केट में, 31 लाख करोड़ के नोट। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने नोट छपे हैं, ये नोट जो छपे वो 2,225 करोड़ नोट छपे हैं। और इसमें खर्च कितना आया, छापने का खर्च जो प्रिंटिंग का आया वो 4,984 करोड़ रुपए चले गए इस नोट को छापने। तो ये पैसा भी बचेगा जैसे जैसे डिजिटल करेंसी जो या डिजिटल रुपया जो आ रहा है वो प्रचलन में आ जाएगा। क्योंकि भारत में डिजिटल पेमेंट कैसे बढ़ा है वो भी आपको बताता हूं। नवंबर 2016 में यूपीआई से जुड़े बैंकों की संख्या 30 थी, तब एक महीने में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 2,90,000 के होते थे और जो वैल्यू थी ट्रांजैक्शन की, मतलब 100 करोड़ रुपए का यूपीआई ट्रांजैक्शन हो। अब जब हम 2022 में खड़े हैं, यूपीआई से जुड़े बैंकों की संख्या 30 से बढ़कर 365 हो गई है, तब एक महीने में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 730 करोड़ के अब होने लगे हैं ट्रांजैक्शन, 730 करोड़ ट्रांजैक्शन। और इसकी वैल्यू निकालिएगा तो 12,11,582 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन सिर्फ यूपीआई में हो रहा है। 100 करोड़ का होता था, अब हम 12 लाख करोड़ से ऊपर आ चुके हैं। यह दुनिया बदली है पिछले कुछ सालों। दुनिया के करीब 80% सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर या तो काम कर चुके हैं या उसे लागू कर चुके हैं। जो हम अब कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दुनिया में लोग कर रहे हैं। 80% बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जो सेंट्रल बैंक का क्लब है, उसके मुताबिक आने वाले 3 सालों में दुनिया की 20% आबादी उन देशों में रहेगी जहां डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल होगा। अप्रैल 2020 में चीन ने डिजिटल करेंसी पर काम शुरू कर दिया था। आधिकारिक तौर पर दुनिया में सबसे पहले अक्टूबर 2020 में बहामास ने सैंड डॉलर नाम से डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया। अक्टूबर 2021 में नाइजीरिया पहला अफ्रीकी देश बन गया जिसने डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया। पूर्वी कैरेबियाई यूनियन में शामिल 7 देश इसे लागू कर चुके। इसके अलावा अमेरिका है, कैनेडा है, यूके है, रूस है, सऊदी अरब, यूएई, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया समेत कई ऐसे देश हैं जो अभी इसे परख रहे हैं। जैसे हम परखने जा रहे हैं वैसे ये लोग भी कर रहे हैं। मतलब ये डिजिटल रुपया भविष्य है।